अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। केंद्र की मोदी सरकार को अंततः किसान आंदोलन के कारण बैकफुट पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की शहादत हुई है। यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार को अपने पूर्व में लिए गए किसी निर्णय पर बैकफुट पर आना पड़ा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे अरसे से चले आ रहे किसानों के भारी विरोध के बाद आज पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे पहले केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून भी इसी तरह वापस लेना पड़ा था। तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए कुछ ही समय हुआ था। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद किसानों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इन कृषि कानून के खिलाफ देश के किसान लंबे अरसे से धरना व आंदोलनरत है। बेहद भारी मन से पीएम मोदी ने कहा कि देश व किसान हित में लाए गए इन कानून को वह कुछ लोगों को समझाने में विफल रहे हैं। संभवतः उनकी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिस कारण दीपक के प्रकाश जैसे पवित्र इन कृषि कानूनों को कुछ किसान समझ नहीं पाए। लिहाजा आज वह इन 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में धरने पर बैठे किसानों से उठने व घर जाने का भी आग्रह किया है। शीतकालीन सत्र में उनकी वापसी की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी। आइए देखते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।